नमस्कार, महोबा न्यूज़ बुंदेलखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित तिवारी। इस अनाज वितरण के मौके पर आज जिला पूर्ति अधिकारी SP साख्या जी हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे किस तरीके से कार्ड धारकों को महोबा में अनाज दिया जा रहा है। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आपके द्वारा टीम गठित की गई है और कितना कितना अनाज लोगों को यहाँ दिया जा रहा है। इस समय ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत माह मई और जून का आवंटन आया है। इसमें 5 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें 3 किलोग्राम गेहूं और 2 किलोग्राम चावल निःशुल्क है। ये पर यूनिट है। हमारे ज़िले में 185,222 राशन कार्ड हैं, जिनमें 7,19,953 यूनिट हैं। इन पर जो है मई और जून दो महीने पर जो है निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण होगा। और ये वितरण हमारे मई के सापेक्ष जो है 20 मई से स्टार्ट हो गया है और ये 31 मई तक होगा। तो ये खाद्यान्न का वितरण चल रहा है। खाद्यान्न वितरण के हेतु हम लोगों ने जो है DM साहब के निर्देश पर जो है नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं और हमारे इंस्पेक्टर्स और ARO सभी लोग जो है परिवीक्षण अधिकारी, नोडल अधिकारी सभी क्षेत्र में हैं और अपनी उपस्थिति में खाद्यान्न का वितरण करा रहे हैं। और हमारी इस पर पूरा हमारा प्रयास है कि जितने भी हमारे कार्डधारी है सभी लोगों को खाद्यान्न प्राप्त हो और कोई दिक्कत ना हो। सर, बात की जाए नगर की बात की जाए तो इस जब आपदा वाले एकदम से ये समय आया, सरकार लगातार चाह रही थी कि किसी भी व्यक्ति को परेशान न होना पड़े, तो आप लोगों के द्वारा कितने ऐसे नए राशन कार्ड शहर में बनवाए गए, टेम्प्रोरी बनवाए गए कि परमानेंट बनाए, कैसे व्यवस्थाएं की गई लोगों के लिए? अभी ये जनवरी से लेकर अब तक जो है लगभग 3,500 राशन कार्ड हम लोगों ने पूरे ज़िले में बनाए हैं। और इस लॉकडाउन में भी हम लोगों ने राशन कार्ड बनाना आरम्भ कर दिया गया है। जो लोग किसी कारणवश राशन कार्ड प्राप्त करने से वंचित रह गए हैं तो उन लोगों के हम आवेदन ले रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में BDOs के लिए कहा गया है कि वो लोग अपने अधीनस्थ स्टाफ को लगाकर ऐसे लोगों के आवेदन पत्र प्राप्त कर लें। नगर क्षेत्र में हमारे EOs लोग हैं, हमारा स्टाफ है, सप्लाई इंस्पेक्टर से स्टाफ है, तो सभी लोग उनके लिए ऐसे लोगों का सर्वे कर रहे हैं और जो आवेदन प्राप्त हो रहे हैं उनके राशन कार्ड हम जो लगातार जारी कर रहे हैं। और लगभग हमने 1,000 राशन कार्ड अभी अप्रैल से लेकर और मई तक जो है जारी कर दिए हैं अभी तक। सर, बात की जाए नगर पे लगातार हम लोगों को ये सूचना मिल रही है कि एक ऐसा भ्रम भी कह सकते हैं, क्योंकि अभी जानकारी ये कंफर्म नहीं है कि अनाज वितरण के समय पे अनाज उन्हीं लोगों को दिया जा रहा है जो वैक्सीनेशन जिन्होंने करवाए हैं, ऐसा कुछ है? राशन सभी के लिए प्राप्त होगा, सभी के लिए राशन वितरण होगा। हमारा प्रयास ये है शासन का, प्रशासन का, कि सभी लोग वैक्सीन लगवाएं, वैक्सीन के लिए मोटिवेट हों। तो विक्रेताओं से भी कहा गया है कि सभी जो कार्डधारी हैं 45 साल से ऊपर वाले, इस आयु वाले, वो सभी लोग वैक्सीन लगवाएं, जिससे कि खुद भी जो सेफ रहें और सभी लोग जो है पूरा जो है जनता भी सेफ़ हो, कार्डधारी भी सेफ़ हो और विक्रेता भी सेफ़ हो। तो ये प्रयास था कि सभी लोग वैक्सीन लगवाएं। धन्यवाद सर। साथ में प्रेस क्लब अध्यक्ष संजय मिश्रा जी भी हैं। एक अच्छा माध्यम ये हो सकता है कि जो लोग यहाँ पर खाद्यान्न लेने आ रहे हैं उनको हम वैक्सीन के लिए, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, लोगों को जागरूक कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवाएं, तो एक ये अच्छी पहल हो सकती है कि अनाज भी लोगों को दिया जा सके और एक पहल भी की जा सके वैक्सीनेशन। धन्यवाद सुमित जी। अभी जैसा हमारे DSO साहब ने बताया है कि वितरण प्रणाली से चूँकि 88% जनपद की जनता जुड़ी हुई है और खाद्यान्न लेने लोग आते हैं, तो वैक्सीनेशन के लिए मैं नहीं समझता कि इससे अच्छा कोई स्थान है प्रेरित करने के लिए। और इस बात की तारीफ की जानी चाहिए हमारे DSO साहब की कि उन्होंने ऐसा एक मोटिवेशन का कार्यक्रम जो चलाया, इसके माध्यम से एक बड़ा संदेश गया कि लोग वैक्सीनेशन करवाएं। ये कोई बाध्यता नहीं है बल्कि एक संदेश है, लोगों को जागरूक करने का एक प्रयास किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर वो और उनकी पूरी टीम, उनके जो भी जितने राशन विक्रेता हैं, सभी बधाई के पात्र हैं। अब जरा ये भी जांच पड़ताल कर ली जाए कि लोगों को आखिरकार जितना सरकार कह रही है उतना लोगों को अनाज मिल भी रहा है कि नहीं। तो कुछ लोग हमारे साथ कार्ड धारक हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप यहाँ पर आए थे तो आपको पूरा अनाज कितना अनाज मिला हुआ है? अनाज 21 किलो है जी और चावल 14 किलो। तो जितना मिलना चाहिए तो उतना मिल रहा है ना आप लोगों को जी? आप भी साथ में आए थे यहाँ पर, आए हुए हैं, तो किस तरह कोई समस्या तो नहीं हुई? कोई समस्या नहीं। जो भी अनाज अगर सरकार के द्वारा दिया जा रहा है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनका धन्यवाद है, जो फ्री राशन हम लोगों को मिल रहा है उसके लिए धन्यवाद। हर महीने आपको मिल रहा है ना? हाँ, इस महीने फ्री मिल रहा है, अगले जो पिछला वाला मिला था वो पैसों को मिला। कुछ और साथी भी यहाँ पर हैं, आप लोगों को राशन कार्ड यहाँ लेने आ रहे हैं, कोई समस्या तो नहीं हो रही है अनाज लेने में? हाँ नहीं, कोई समस्या नहीं। कोटेदार और हमारे यहाँ जो आला अधिकारी उनके द्वारा सही से दिया जा रहा है? सही दिया जा रहा है। लोग यहाँ, भीड़ भी लगी है और लोग निश्चित तौर पर यहाँ आ रहे हैं, आराम से अपना अनाज लेकर जा रहे हैं। और सरकार और अधिकारियों की भी यही मंशा रहती है
कि निश्चित तौर पर लोग यहाँ पर आके जो सरकार के द्वारा उनको दिया जा रहा है अनाज वो लेकर जाएं, और वैक्सीनेशन को लेकर भी जो पहल चलाई जा रही है उस पर नियमित रूप से सभी लोग उसका फायदा उठाएं और जाकर वैक्सीन लगवाएं। फिलहाल खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहे महोबा न्यूज़ बुंदेलखंड।